तीन हफ्ते 63 देशों में दहशत, एक हफ्ता और दो से एकदम से 38 मरीज, 6 राज्य से गिरफ्त में हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी अब हड़कंप मच चुका है। हम बात कर रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। ओमिक्रॉन पर बात हो रही है और सबसे बड़ी बात अब ये निकलकर सामने आ रही है कि ये घातक जो वेरिएंट जो है ये लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। देखिए, नवंबर के आखिरी हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में मामले सामने आते हैं ओमिक्रॉन के और देखते ही देखते ये दुनिया के 63 देशों में फैल जाता है। पिछले हफ्ते यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2 मामले सामने आते हैं बेंगलोर से ओमिक्रॉन के और देखते ही देखते महज 10 दिन के अंदर ये हमारे 6 राज्यों में फैल जाता है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है महाराष्ट्र में, जहां पे ओमिक्रॉन के 38 मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, केरल हो, कर्नाटक हो, हर जगह ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अपडेट जो हम आपको हर रोज देते हैं, एक नया अपडेट आज आपको सुनाते हैं। दरअसल जो ओमिक्रॉन के मामले हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके बारे में एक नई रिसर्च सामने आई है। ओमिक्रॉन के पेशेंट्स का इलाज करने वाली दक्षिणी अफ्रीका की एक डॉक्टर जिनका नाम है एंजेलिक कोएत्सी, उनका ये कहना है कि कुछ मरीज ऐसे हैं जिनके साथ रात में कुछ अलग सिम्टम सामने आ रहे हैं, यानी कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि रात में लक्षण कुछ और हो जाते हैं ओमिक्रॉन के। यानी साफ साफ कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रात में पता चलता है कि पेशेंट ओमिक्रॉन का है, क्योंकि रात में हम आपको बता दें क्या कुछ लक्षण इसके हैं। दरअसल रात में जो मरीज हैं उनको भयंकर पसीना आने की शिकायत सामने आ रही है। इतना ज्यादा पसीना, इतना एक्सेसिव में पसीना आ रहा है कि उनके कपड़े तक भीग जाते हैं और यहां तक कि बिस्तर भी भीग जाता है। इसके अलावा पसीने के साथ साथ बहुत ज्यादा कह सकते हैं कमर तोड़ दर्द का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उनका पूरा शरीर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर किसने लाठियों से पीट कर तोड़ दिया हो। इसके अलावा बदन दर्द है, गले में, देखिए जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो गले में खराश की बहुत सारी चीजें सामने आई थी कि पेशेंट को गले में खराश है, लेकिन इस बार ये कहा जाता जा रहा है कि गले में खरोच है बाकायदा, लगता है कि गला छिल गया हो बुरी तरह, अंदर से गले के अंदर जख्म हो गए हो। यहां तक कि पेशेंट खाना खाने में और निगलने में भी बहुत परेशानी उन्हें होती है, कमजोरी रहना, हल्का बुखार रहना, सूखी खांसी रहना, ये वो तमाम लक्षण हैं जो इस तरह के पेशेंट्स में सामने आ ही रहे हैं लगातार। लेकिन बात यह है कि रात में जो लक्षण सामने आते हैं उनमें ही कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिन में बेशक ना रहे लेकिन रात में ये लक्षण हमेशा रहते ही हैं। तो हम आपको बता दें कि दोस्तों अब जरूरत है तो सिर्फ सावधानी बरतने की, क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक वेरिएंट है जिसके 30 से ज्यादा म्यूटेशन है और उसमें सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि जब तक हमें किसी बीमारी की जड़ का पता नहीं चलता, उसके बारे में बाकायदा पूरी रिसर्च सामने नहीं आती, तो ऐसे में उसकी दवाई बना पाना, उसके इलाज का, उसके ट्रीटमेंट को इजाद कर पाना बहुत चैलेंजिंग होता है हम सबके लिए। तो अभी ओमिक्रॉन जो है इस पर लगातार रिसर्च चल रही है, दुनिया भर में रिसर्च का इस वक्त ये मुद्दा बना हुआ है। डॉक्टर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक दवाइयों को लेकर और इसकी म्यूटेशन को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ बात सामने नहीं आ रही है। और ऐसे में हम यही आपको हिदायत देंगे, आपको यही अपील करेंगे कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन अ क्योर। जब तक रिसर्च में ये सामने नहीं आ जाता कि क्या बीमारी है, क्या इसकी जड़ है और क्या इसका इलाज है, क्या इसकी दवाइयां हैं, तब तक हमें खुद अपनी सावधानी रखकर ही इससे सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, WHO भी आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि आप इसे हल्के में ना लें, ये गंभीर बीमारी है, एक महामारी के कगार पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, इसलिए सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदार नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों, आपसे फिर हम अपील करते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से कि आप भी खुद को सावधान रखिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। इसके अलावा हम एक अभियान चला रहे हैं, एक जागरूकता अभियान है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अपने फोन में देखने के बाद रोकिए मत, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब लोग अवेयर हो सके, आने वाले खतरे को भांप सके, क्योंकि हमने देखा है कि डेल्टा के टाइम पे किस कदर वो एक आंधी आई थी जिसमें हमने अपने यारों और रिश्तेदारों को गंवाया है। दोस्तों, ये वक्त दोबारा नहीं आना चाहिए, तीसरी आंधी से देश को बचाइए और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।